हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आपको आज इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th में चैप्टर 4 में जो फाइलम का डेटा है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम आपको बताएंगे और यह किस प्रकार से नॉन कार्डेटा से अलग होता है इसको भी समझाएंगे। समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो मेन करेक्टर हैं जो नॉन कार्डेटा से अलग होते हैं, वो आप कहने की मेन इसके जो स्ट्रक्चर हैं वह नॉन कार्डेटा में नहीं पाए जाते हैं, वह हैं नोटोकार्ड, पृष्ठरज, डार्सल हालो नर्व कार्ड, पृष्ठ खोखली नर्व कार्ड और पेयर्ड फायरेंजियल गिल स्लिट, और एक और इसमें होता है पोस्ट एनल टेल। ये प्रमुख लक्षण हैं जो नॉन कार्डेटा में नहीं पाए जाते हैं और कार्डेटा में पाए जाते हैं। यही लक्षण हैं जो नॉन कार्डेटा से कार्डेटा को अलग करते हैं, विभेदित करते हैं। तो इसको हम समझने से पहले और जो कुछ लक्षण हैं उसको जान लें कि कार्डेटा में और कौन कौन से लक्षण हैं जो नॉन कार्डेटा में नहीं होते हैं और इनको विशेषीकृत करने वाले लक्षणों के बारे में आइए जानते हैं। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब जो है कहीं से किसी प्लेन पर इनको विभाजित करें तो यह दो दो पार्ट में, दो हाल्फ में, दो हाफ में या दो अर्धांश में ये जो है विभाजित नहीं होते, लेकिन एक प्लेन ऐसा होता है जिस पर इसको डिवाइड करें तो यह दो पार्श्व भागों में बढ़ जाता है। इसी नाते इसको द्विपार्श्वीय सममिति बोलते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, उसके जो अंग हैं बराबर बराबर किसी एक प्लेन पर यह बढ़ सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं। और टिलोमेट प्राणी है, प्रगुहा पाया जाता है इसमें। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, तीनों जर्मल लेयर इसमें मौजूद होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसमें आर्गन लेवल सिस्टम पाया जाता है, यानी कि इसमें विस्तृत आर्गन होते हैं सभी कार्य करने के लिए, सभी कार्य को संपादित करने के लिए इसमें आर्गन सिस्टम पाया जाता है। वेल डेवलप, वेल डिफाइंड आर्गन होते हैं इसमें। और इसमें पोस्ट एनल टेल एक करेक्टरिस्टिक है जो कार्डेटा का विशेष जो है करेक्टरिस्टिक है, ये पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं इसमें, यानी जो रुधिर है वह रक्त वाहिनियों में जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर बहता है, उसके अंदर बंद रहता है। और जिनमें रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं और ब्लड भितरा रहता है पूरे शरीर में, उनको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाना यह भी एक इसका विशेष लक्षण है। तो आइए जानते हैं कि इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, जैसे नोटोकार्ड है या डार्सल हालो नर्व कार्ड है, या इसमें जो पोस्ट एनल टेल है, या इसके अंदर जो पेयर्ड फायरिंजियल गिल स्लिट है, वो कहाँ और कैसे पाए जाते हैं। यहाँ पर यह विशेष रूप से जान लें कि जंतु के लाइफ साइकिल में जरूरी नहीं है कि ये जो चारों लक्षण हैं जीवन पर्यंत रहें, लेकिन किसी न किसी स्टेज में ये चारों लक्षण अवश्य मौजूद होते हैं। इस कारण इनको जो है कार्डेटा में रिकॉग्नाइज किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो चारों लक्षण हम आपको बताए हैं। नर्व कार्ड जो हालो होता है पृष्ठ भाग पर, जो यहाँ पे देखें जो वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उसमें देखें डार्सल हालो नर्व कार्ड, यहाँ पे चित्र के माध्यम से यहाँ पे फ्लैग किया गया है, यहाँ पे फ्लैग करके दिखाया जा रहा है चित्र में। तो इसमें नर्व कार्ड की स्थिति कहाँ है, ये जो है इसी के जो पृष्ठ भाग में जो बैकबोन है उसके जस्ट नीचे या उसी के अंदर कह लें, ये जो है कार्टिलेज से बना हुआ एक उसके पैरेलल एक स्ट्रक्चर है नोटोकार्ड, यह मौजूद होता है। और इसमें पेयर्ड गिल स्लिट यहाँ पाए जाते हैं, मनुष्यों में भी गिल स्लिट पाए जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यह गर्भावस्था में रहते हैं तो वहां पे यह रहता है और बाद में यह डिसअपीयर हो जाता है। बहुत सारे जंतुओं में यह रहता है कार्डेटा में, लेकिन डिसअपीयर हो जाते हैं। हमने आपको बताया है ये जो लक्षण है जीवन चक्र में कहीं ना कहीं किसी हिस्से में मौजूद होते हैं और जरूरी नहीं कि ये हमेशा इसमें अपीयर रहे, कभी डिसअपीयर भी रहते हैं और कभी ये रिटेन कर जाते हैं उसमें हमेशा के लिए रहते हैं। जो इसमें चौथा करेक्टर है ये पोस्ट एनल पार्ट है या पोस्ट एनल टेल इसको बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। तो ये चारों जो करेक्टर हैं, चारों जो स्ट्रक्चर हैं वो कार्डेटा में अवश्य मौजूद होंगे, तो इसी के कारण से ये संघ कार्डेटा में लिए गए हैं। कार्डेटा को और नॉन कार्डेटा को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इसको जो करेक्टरिस्टिक है इसके चारों उसको देखते हुए, और जो नॉन कार्डेटा में नहीं पाए जा रहे हैं
उसका हम कंपेरिजन करके इसको हम समझ सकते हैं और याद करके भी इसको रखें, क्योंकि यह जो है पूछा जाता है कि कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में क्या अंतर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डेट्स एंड नॉन कार्डेट्स, ये आप देखें यहाँ पे कार्डेटा में जो प्राणी है उसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा, लेकिन नॉन कार्डेटा में नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो चारों कैरेक्टर अभी हमने आपको दिखाया है, बताया है, चित्र के माध्यम से समझाया है, वह यहाँ पे रिटेन फॉर्म में यहाँ पर एक तालिका, एक टेबल बना करके आप इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। और आपको जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या अंतर है कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डार्सल हालो डार्सल भाग में पाया जाता है। डार्सल मतलब पीठ वाला हिस्सा और वेंट्रल माने पेट वाला हिस्सा। इसको आप आराम से समझ लें इसको। और यह सिंगल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डार्सल भाग में पाया जाता है, हालो होता है, खोखला होता है और सिंगल होता है। एक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है नॉन कार्डेटा में। फारिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, इसमें गिल स्लिट पाए जाते हैं, पेयर्ड फारिंजियल गिल स्लिट पाए जाते हैं, अभी हमने आपको बताया है। और नॉन कार्डेटा में गिल स्लिट नहीं पाए जाते हैं, इस आधार पर भी इनको अंतर करते हैं। और इसमें हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में होता है आगे अधर भाग पर, और इसमें हार्ट डार्सल भाग पे मौजूद रहता है यदि रहता है, तो नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि रहता है तो यह डार्सल हिस्से पे रहता है, पृष्ठ भाग पे रहता है, पृष्ठ भाग की ओर रहता है। इसमें पोस्ट एनल पार्ट या टेल प्रेजेंट होते हैं कार्डेटा में, और इसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं होते अर्थात एब्सेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें। और आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो इसमें हम जो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का नोटिफिकेशन है सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू। जय हिंद।